नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी ऑर्डर वाली बहू, जिसे लिखा है पूनम जी ने। फोन रख कर मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार स्वधा मेरे माथे पर बल देकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ? किसका फोन था? रमाबाई नहीं आएगी? ओह, यह भी ऐन मौके पर धोखा देती है। वह फिर वापस मुड़ गई, बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हूँ? कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़े होकर ज़्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। ओह, अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर दूंगी। बाय माँ, कहते कहते वह घर से बाहर निकल गई। मैं सिर पर हाथ रख बैठ रह गई। स्पाइन की कुछ समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में ज़्यादा काम करना छूट गया है। रमाबाई ही खाना बनाती है। मेरे पति अनिल और बेटा अंकित तो टूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर हैं, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम पांचों फ्रेंड्स अंकित और स्वाधा के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। अंकित के विवाह को 4 महीने ही हुए हैं। यही मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे स्वाधा अच्छी लगती है, मुझे ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस स्वाधा का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस के काम में रहते हैं, वीकेंड में वह आराम के मूड में रहती है, स्वाभाविक है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार यह सोचती हूँ कि अगर कामकाजी बहू किचन में घुसना ना चाहे तो बुरा क्या है। सास बहू का करियर उसकी डिग्रियों का महत्व क्यों नहीं समझती? बेटे ने डिग्रियाँ ली हैं तो बहू ने भी मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है, तो कामकाजी बहू को भी तो आराम की ज़रूरत है। घर के कामों का विकल्प हो, बहू को ही क्यों किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए? खैर, अब तो यह सोचना है कि क्या करूं। स्वधा को देर हो रही थी, वह निकल गई है। मैं किचन में कुछ बना भी लूंगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा, तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठने का आनंद कैसे लूंगी। इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर स्वधा का मैसेज आया, आप चिंता न करना माँ, मैंने आप सब के लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, सब पहुंच जाएगा। और साथ में ढेर सारी किसेस की इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसेस की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दिया। यह हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी, यह लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है, मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतने में डोरबेल बजी, मेड शीतल आई थी। मैंने उससे कहा, शीतल आज जरा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम? लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। शीतल हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की तरह ही हो जाती है। बोली, वाह, खाना बन गया? नहीं, रमाबाई ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूं? वह जानती है मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं, स्वधा ने सब ऑर्डर कर दिया है। शीतल ने जैसी नज़रों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़ी। शीतल ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती हैं। मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी, शीतल अपना काम करने लगी। अचानक मैं पिछले 4 महीनों पर नज़र डालने लगी। स्वधा जब से आई है हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भागदौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया, तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला, उसमें दर्द में
सेकाई के लिए इलेक्ट्रिक बॉटल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की ही बॉटल में पानी गर्म करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका यह सरप्राइज़ देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने स्वधा को थैंक्स कहने के लिए उसी समय फ़ोन किया था। तो हंसी थी, माँ अच्छा लगा ना सरप्राइज़। मैंने कहा था, यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें कैसे ख्याल आया? अरे सब मिलता है माँ, यह तो अंकित को पहले ही ऑर्डर कर देनी चाहिए थी, बहुत काम की चीज़ निकली थी यह। मुझे काफ़ी आराम हुआ था। अनिल को कई दिन से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया, उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। स्वधा ने ही ऑर्डर की थी। अनिल हंस पड़े थे, यह तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आई है, ऑफिस से ही हमारी ज़रूरतों की चीज़ें ऑर्डर करती रहती है। वीकेंड में अगर रमाबाई ना आई तो स्वधा पूछती है, माँ कुछ ऑर्डर कर लें? मैं कभी मना नहीं करती, सोचती हूँ रोज़ सब घर का बना खाना ही तो खाते हैं, सब टिफ़िन लेकर जाते हैं। आज स्वधा को टिफ़िन नहीं चाहिए था, उसके ऑफिस में पार्टी थी। हाँ तो फिर स्वधा सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए ऑर्डर करने का काम संभाल लेती है। शीतल काम करके चली गई तो मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। कामिनी, नीरा, आरती और मंजू तय समय पर आ गईं। स्वधा के आने के बाद हम आज पहली बार मिल रहे थे। हाल चाल के बाद नीरा ने पूछा, रश्मि कैसा लग रहा है सास बनकर? अरे बहुत अच्छा, बेटी की कमी पूरी कर दी स्वधा ने, बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। इतने में डोरबेल बजी, हमारा खाना आ गया था। आरती ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लंच। अरे रमाबाई नहीं आई क्या? नहीं। फिर तो तुम्हें तकलीफ़ हो गई। तकलीफ कैसी, घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑटो में बैठते ही लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर तो उन्हें स्वधा की ऑनलाइन मंगवाई चीज़ें बताने लगी। सब हैरान थी, खुश भी। अब तक हम पांचों में बस आरती को ही ऑनलाइन ऑर्डर से चिढ़ होती थी। जब तक वह दुकान दुकान ना भटक ले, उसकी शॉपिंग पूरी नहीं होती थी। उसकी फैमिली इस बात से खूब परेशान रहती है। सब्जी भी 10 ठेलों पर देख कर ही खरीदती है, आरती ने आदतानुसार कहा। पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा, और चीज़ें भी पता नहीं कैसी निकलेंगी। नीरा ने कहा, अच्छी ही रहती हैं, कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान दुकान भटकने की एनर्जी अब हम में तो बची नहीं है। मैंने पार्सल खोला, गर्म गर्म पम्पकिन सूप भी था। स्वधा जानती है मुझे सूप पीने का बहुत शौक है। हम जब भी बाहर जाते हैं मैं सूप कभी मना नहीं करती। पिछली बार पम्पकिन सूप पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। स्वधा ने कहा भी था, माँ जब मन हो तो बताना, मैं ऑर्डर कर दूंगी। अंकित उस समय जोर से हंसा था, कहा था, माँ स्वधा को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बात पर उसे खूब छेड़ते हैं, वह भी हंसती रहती है। सूप गर्म था, ठंडा ना हो जाए। मैं सबके लिए निकाल कर ट्रे में रखने लगी। सबको सूप बहुत पसंद आया। फिर कामिनी ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है बहू रानी ने। देखा तो स्टार्टर्स थे, शाही पनीर, मिक्स वेज और नान, सबके मुंह से एक साथ निकला। अरे वाह, चलो खाते हैं। हम सब ने खाने का भरपूर लुत्फ़ उठाया। आइसक्रीम तो एक दिन पहले आ ही गई थी। कुछ देर बातें होती रहीं, उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगीं। तो आरती ने कहा, सुनो। हम सब ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बहू तो कमाल है, हम सब के लिए शानदार लंच मैनेज करवा दिया, मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। नीरा ने उसे चिढ़ाया, पहले 20 जगह घर घर जाकर लड़की नहीं देखोगी? सब हंस पड़े। सब चली गईं,
तो मैंने सधा को फ़ोन किया। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। गुड, अब आप रेस्ट करना। और हाँ, शाम को भी रमाबाई नहीं आई तो किचन में मत घुस जाना। हाँ ठीक है, काफ़ी खाना रखा भी है। ठीक है फिर, हम दोनों ही तो हैं। मैं सामान समेट कर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ध्यान स्वधा की तरफ ही था, प्यार आ रहा था उस पर मुझे। नई तकनीक का लाभ सबसे ज़्यादा इन बच्चियों को ही हुआ है शायद। घर में कोई किटकिट नहीं, प्यार और शांति ही तो चाहिए होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर। आजकल की ये कामकाजी बच्चियाँ घर बाहर सब मैनेज कर तो लेती हैं, फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी सांसें खुद को नहीं बदलती। घर के कामकाज का रोना रो रो कर क्यों कलह मचाए रखती हैं। इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिली सी रहती हैं। और यह भी तो कम बड़ी बात नहीं कि स्वधा को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की जरूरत का ध्यान रहता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीरियड के दिनों में महानगरों में आना जाना, फिर दिन भर ऑफिस में काम करना आसान है क्या? मुझे तो लगता है घरों में ज़्यादातर कलहों का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब यह कि बेटे की शादी के बाद बदलने की ज़रूरत बहू को नहीं, सास को ज़्यादा है। स्वधा के ही बारे में सोचते सोचते मेरी पलकें मुड़ने लगी थी। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनी राय जरूर दें कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।